गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी 11 बजने वाले हैं और मेरे को जाना है हॉस्पिटल। बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही और मेरी भी। हाँ, और मैं एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहती हूँ आपको। दिखाना, चश्मा तो लगाइए आप प्लीज। इनका भेस देखिए क्या बना रखा है। हील मेरी पहन रखी है, चश्मा लगा के, नकली बाल लगा के, ये अपने खेलने में मस्त है। और मेरे बाबू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको भाप अंदर दे रहे हैं अभी। हम पहले से बेटर है पर कल रात से ठीक हुई है जब से हम उसे स्टीम देने लगे हैं, वरना परसों उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी राघव की। और अब थोड़ा वो ठीक है, कल रात से, कल से ठीक है, थोड़ा ठीक है, मतलब पूरा पूरी तरीके से ठीक हुआ नहीं। तो बस मुझे जाना है अस्पताल, अभी मैं हॉस्पिटल जाऊं पहले तो। आज पर्ची भी नहीं कटी शनिवार की वजह से हॉस्पिटल में, अब वापस जाना पड़ रहा है। तो अब 11:30 हो गए और इनको मैंने दूध दिया नहीं था, उबाला नहीं था, तो अब दे दिया है। कोई मांगने पे दिया है, ऐसी इतनी सभी मत समझो मेरी, ठीक है। तो मांगने पे क्या है, दिया तो है रात में। रात में अभी ये न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर कूदना है इनको 12 बजे, तो न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं, इसलिए कभी इनको सोया नहीं है। और मेरा बाबू अभी बीमार है तो वो सो गया, मेरा छोटा सा बच्चा वो सो रहा। और मेरी छोटी सी बच्ची भी अभी लेटी, अभी न्यू ईयर बोलेगी सबको तब जाके सोएगी। और बाय बाय करने से पहले अभी न्यू ईयर। हाँ नहीं बाबू, भाई को नहीं मारते। हाँ तो ये भाई को बिल्कुल नहीं मारती है, ये बोल रही है यहीं लेटी हुई है ये, और टीवी देख रहे हैं। और कुछ नहीं हो रहा हमारे घर में, अभी पड़ोसियों के यहाँ म्यूजिक बज रहा है, वो कूद रहे थे पर अब सो चुके हैं। अरे इनका म्यूजिक तो बंद हो गया, मैं तो चालू हो जाएगा दोबारा थोड़ी बहुत देर बाद। दोबारा ही मास्क पहनना एक अच्छी आदत है, घर में भी जिनको जुकाम है तो मास्क पहने। अभी मैं इसे भी कहती हूँ कि मास्क पहन, तो मास्क इसने पहना नहीं है अभी। तो फिर कल से मिलेंगे, नए साल की शुरुआत हैप्पी न्यू ईयर के साथ करेंगे। और अभी तो 11:30 हो रहे हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर आपको एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको, हैप्पी न्यू ईयर, कल फिर मिलेंगे आपसे, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। तो दोबारा आ गई हूँ मैं, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के साथ एक विश तो मैंने करी नहीं थी। भगवान आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, बहुत सारी तरक्की दे, पैसा दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे। तो मेरी दुआएं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए है, ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के साथ मुझे आपको एक आशीर्वाद सा, आशीर्वाद क्या बोलते हैं, विशेष होते हैं ना किसी की, तो वो भी भेजनी थी तो वो मैंने बोला नहीं। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको उनका नया साल मुबारक हो, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे, आप, आपके बच्चे, फैमिली, आप, भगवान आपको हेल्थ दे, वेल्थ दे, सुख शांति समृद्धि सभी चीज दे। तो नए साल पे यही कामना है आपसे हमारी। और इनको दिखाया मैंने क्या दवाई से टक रही है इनकी, सबकी नाक ही बंद है मेरी, खुद बार बार ना बर्तन धोने से ठंडे पानी में जाके मेरी एकदम नाक ब्लॉक हो गई है। और कुछ राघवी को रहता है तो वो एक छींक मारती है और मुझे जल्दी से जुकाम हो जाता है, पता नहीं बहुत ज्यादा जुकाम जल्दी लग जाता है मुझे। तो बस अभी 12:15 होने वाले हैं और नया साल ऐसे ही बीत जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता है। और ये बच्चे भी कूद रहे हैं अभी तक, ये देखो फिनिश। राघवी ईशा को आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने ब्लॉग में कि आप हमारे शॉर्ट्स भी देखिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सभी जाग रहे हैं अभी, न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं, भगवान की जय जय माई करेंगे, जय जय कार करेंगे, जय जय माई तो बच्चों को बोलते हैं, जय जय माई कर लो, तो जय करेंगे और न्यू ईयर मनाएंगे। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। ये लोग अपने में बिजी है, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। तो कल मिलेंगे फिर से, बाय बाय।